आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड व्यूवर्स, जो भी हैं आप नाज़रीन हैं या व्यूवर्स हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश खुश होंगे और बड़े मज़े में होंगे और सर्दियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। पहले मैंने आपको ग्रीन टी का रिव्यू दिया था, आज मैं आपको नेस्कैफे कॉफ़ी का रिव्यू देने जा रही हूँ, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। ये आप देख सकते हैं, नेस्कैफे क्लासिक इसका फ्लेवर है और ये अरेबिका ब्लेंड है। 25 कप्स इस वो करते हैं, क्लेम करते हैं कि इससे बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो कम बनेंगे, अगर आप कम कॉफ़ी डालते हैं तो फिर आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है, हर सुबह को करो नेस्कैफे पिक फोरा स्ट्रॉन्ग केक। और इसके अलावा ये जो आप कप देख रहे हैं, ये कॉफ़ी बनाने का एक्चुअली तरीका लिखा हुआ है इसके ऊपर। सबसे पहले है 1 टीस्पून नेस्कैफे, ऐड हॉट वाटर, ऐड मिल्क एंड शुगर टू टेस्ट। ठीक है, मैं आपको इसके बाद अपना कॉफ़ी का तरीका भी बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। 50 ग्राम है ये इसका वेट, ये आपको नज़र आ रहा होगा 50 ग्राम। अच्छा जी, सॉरी जी, इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा रेड कप बना हुआ है और नेस्कैफे क्लासिक मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा, इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है, मैं आपको देख के बताती हूँ। इसके ऊपर प्राइस मेंशन नहीं है, जब मैंने ये किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से ख़रीदा था तो उसने मुझे ये खुद से प्राइस लिखी हुई है 260 रुपीज़। अब मे भी हो सकता है कि डिफरेंट हो बाज़ जगहों के ऊपर, लेकिन मुझे ये 260 की मिली थी। अच्छा जी, अब इसकी क्वालिटी की बात करते हैं। नेस्कैफे कॉफ़ी ये क्लासिक फ्लेवर है और आप इस ब्रांड को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, बड़ा मशहूर ब्रांड है और कॉफ़ी में एक नाम है इसका। और कॉफ़ी में इसका नाम ऐसे ही नहीं है, वाकई ये बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और बहुत कम कॉफ़ी डाल के बहुत अच्छी कॉफ़ी तैयार हो जाती है इससे। तो अब आखिर में मैं आपको कॉफ़ी तैयार करने का तरीका बता देती हूँ, जिस तरीके से मैं कॉफ़ी बना के पीती हूँ। जी, मैं जो कॉफ़ी बना के पीती हूँ वह इस तरह के, मैं थोड़ा सा गर्म पानी या दूध लेती हूँ और उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करती हूँ और फिर मैं, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है कॉफ़ी बनाने की, हाथ से ही बनाती हूँ, तो चम्मच के साथ मैं अच्छी तरह उसको ब्लेंड करती हूँ। यानी कि काफ़ी देर, 10-15-20 मिनट, आप जितना अच्छा उसको ब्लेंड करेंगे उतनी अच्छी कॉफ़ी तैयार होगी। जब अच्छी तरह एक स्मूदनेस उसके अंदर आ जाए तो आप हॉट मिल्क जो है उबलता हुआ दूध आप ऊपर से उसके अंदर गिराएं, यानी थोड़ा कप से ऊंचाई पे रख के यूं डालें तो ऊपर झाग सी बनेगी और वो अमेजिंग, वही कॉफ़ी का असल जो है वो टेस्ट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इससे मेरी हौसला अफज़ाई होगी और मेरे चैनल को ग्रो करने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच एंड इन्जॉय कॉफ़ी एंड अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।